पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी स्थित अंबिकानगर में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के द्वारा न्यायालय के आदेश पर बैंक के बकायादार का घर पर कब्जा किया गया। इस दौरान दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त बंजारिया अंचलाधिकारी व कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक रियाउद्दीन अहमद ने बताया कि मृत्युंजय उपाध्याय के ऊपर बैंक का लगभग 30 लाख रुपए का बकाया था। बैंक द्वारा बार बार नोटिस किए जाने के बाद भी वो दिन जमा नहीं किए, जिसके बाद बैंक ऋण वसूली के लिए न्यायालय की शरण ली। उसके बाद न्यायालय के आदेश पर भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की गई है। क्या मामला है सर? इनके द्वारा मृत्युंजय उपाध्याय के द्वारा बैंक में लोन लिया गया था, जिसके तहत बैंक में इनका संपत्ति मॉर्गेज कर गया था। बार बार इनको नोटिस भेजा गया, और फिर से 1/2002 के तहत बैंक नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने इनका संपत्ति का जो है कितना लोन था सर? 10 लाख का लोन था। हम लोग इसको मॉर्गेज प्रॉपर्टी था, ये प्रॉपर्टी बैंक में बंधक रखा हुआ था, उसी के तहत इसकी कार्रवाई करते हैं बैंक नियमानुसार। इसको 10/1/2002 के तहत हम लोग दखल कर जाते हैं। किनके नाम पर लोन हुआ था सर? मृत्युंजय उपाध्याय उपाध्याय।